Hi, I'm Priyanka Chopra, and I'm truly blessed to share an incredible relationship with my parents. I just wonder, you know, the love, trust, the kind of feeling that you have for your own family. Can you feel like that for anyone and everyone else? Can you treat every single human being that you come across with that same love and trust? Well, that's what the Brahma Kumaris teach you, to treat every single human being that comes across with you with that same kind of feeling, with that same kind of love. So let's join them in celebrating their platinum jubilee with the theme One God, One World Family. ब्रह्मा कुमारीज मना रहे हैं अपनी आध्यात्मिक सेवाओं के 75 वर्ष का अमृत महोत्सव, जिसका विषय है वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली। शनिवार 31 मार्च शाम 5:30 बजे सुभानपुरा अतिथि गृह हाई टेंशन रोड वडोदरा में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसके आरंभ में आप लाभ ले सकेंगे संगीत संध्या और मनोरंजक कार्यक्रमों का। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राजयोगी मृत्युंजय भाई मुख्यालय माउंट आबू से पधारेंगे। गुजरात जोन इंचार्ज राजयोगिनी सरला देवी जी, युवा प्रभाग की नेशनल कोऑर्डिनेटर राजयोगिनी चंद्रिका दीदी तथा मेडिकल विंग की ज्वाइंट नेशनल सेक्रेटरी निरंजना बहन जी से आप आशीर्वचन प्राप्त कर सकेंगे। दिनांक 1, 2 और 3 अप्रैल सुबह और शाम 7 से 8 बजे तक राजयोग शिविर का आयोजन ब्रह्मा कुमारीज 26 संपतराव कॉलोनी अलकापुरी वडोदरा में होगा, जिसमें आप विनामूल्य भाग लेने के लिए सहर्ष आमंत्रित हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें फोन नंबर। So let's join them as they celebrate their platinum jubilee with the One God, One World family. शुभ स्वागतम स्वागतम शत स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम शत स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम। आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है, आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है, आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम। मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से, भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से, भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के से। स्वागत और सत्कार का मौसम, स्वागत और सत्कार का मौसम महका चिर बसंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम। आशाओं के दीप जले हैं, विश्वासों में हिले मिले, सुमन सफलता
के खिलेंगे साथ हमारे आप चले। आशाओं के दीप जले हैं, विश्वासों में हिले मिले, सुमन सफलता के खिलेंगे साथ हमारे आप चले। नया नहीं ये बहुत पुराना, नया नहीं ये बहुत पुराना, अपनों का संबंध है। धरती पे सजाना हम सबका संकल्प है, राजयोग से ही होना अब जग का कायाकल्प है। स्वर्णिम युग धरती पे सजाना हम सबका संकल्प है, राजयोग से ही होना अब जग का तभी तो परिवर्तन का नारा, तभी तो परिवर्तन का नारा हमने किया बुलंद है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है, आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं अनंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है, शुभ स्वागतम स्वागतम, शत स्वागतम स्वागतम, शुभ स्वागतम स्वागतम, शत स्वागतम स्वागतम, शुभ स्वागतम। इस गीत के साथ जिसे गा रही हैं त्रविंदर कौर अरोड़ा जी, स्वागत है आपका। और गीत है भगवान हमारा साथी है। सबका परमात्मा
का सार। प्रेम ही सच्चा जीवन है, प्रेम ही शिष्टाचार है। प्रेम करो परमात्मा से, प्रेम ही सुख का सार। आगे बढ़ाते हैं, मैं अपनी देवी बहनों से निवेदन करूंगा कि मंच पर उपस्थित अतिथि देवों का और ये हमारी सरस्वती स्वरूपा देवी बहनों का स्वागत पुष्प गुच्छों से और बैजेस के द्वारा करें। ये रंग बिरंगे पुष्प, हर रंग का पुष्प अपनी बात कहता है, कोई रंग प्रेम जताता है, कोई शांति दर्शाता है, कोई अपनापन बतलाता है। हमारी देवी बहने सम्माननीय अतिथियों को, देवों को और सरस्वती स्वरूपा इन देवियों को बैजीज और पुष्पों द्वारा सम्मानित करते हुए, और देखिए ये पुष्प भी आज क्या कहें, इन देवों और देवियों से मिलके आज इन पुष्पों के भी हृदय खिल रहे हैं, अपनी महक को लिए ये रूहानी महक से मिल रहे हैं। सदा खिले रहने का, एकता के सूत्र में बंधे रहने का संदेश देते ये पुष्प आज इस प्लैटिनम जुबली पर अपनी रंगत और खुशबू फैला रहे हैं। एक है ईश्वर और एक विश्व परिवार, आज ये पुष्प भी यही नगमा गा रहे हैं। आरती ले भारती है पथ निहारती, मूल्य भरे दृश्य लिए आई नव सदी, स्वागत करें मिलके सत्ययुग का।
आरती है पथ निहारती, मूल्य भरे दृश्य लिए आई नव सदी। स्वागत करे मिल के सतयुग का, आइए बढ़ाइए आप भी कदम। स्वागतम 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 आध्यात्म के आधार से, सहयोग से सहकार से, आध्यात्म के आधार से, सहयोग से सहकार से, सुविचार से सत्कार से, शुभकामना व प्यार से, स्वर्ग ला के लेंगे दम, लेते हैं कसम। स्वागतम 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 स्वागतम। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का ये प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशंस, और यहाँ इस प्यारे से स्थान पर उपस्थित है हमारे बड़ौदा परिवार के भाई बहनें, इस प्यारी सी शाम में भाई बहनों, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्व विश्वविद्यालय ने निरंतर 75 वर्ष विश्व को एक बनाने के प्रयास किए हैं, इस धरा पर स्वर्णिम संसार बनाने के प्रयास किए हैं, सभी को सुखमय जीवन के लिए राजयोग ज्ञान सिखाने के प्रयास किए हैं, मानवीय जीवन को सदाचारी बनाने के प्रयास किए हैं। इसी प्रयास से ऐसे लाखों मानव, देवतुल्य मानव तैयार हुए हैं, जिनके जीवन में सत्वप्रधानता है, ईमानदारी है, पावनता है, जिनमें जज्बा है एक विश्व परिवार बनाने का, जिनमें जज्बा है एक स्वर्णिम संसार बनाने का। 75 वर्ष निरंतर इस तनाव के दौर में शीतलता बरसाई है, ऐसे अनेकों प्रयासों से लाखों जिंदगियों में रौनक आई है, खुशियां आई है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय 75 वर्षों से निरंतर गंगा की तरह निर्मल निश्चल बहती है, और आज
ये प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन इसकी सफलता की कहानी कहती है। तो आइए स्वागत के इन पलों में मैं शब्दों के पुष्पों द्वारा स्वागत करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा उन्हें जिन्होंने दशकों निरंतर बड़ौदा की इस धरती को आध्यात्म के अमृत से सींचा है, जिनमें बेहद विश्वास है, भरा बेहद प्यार है, और आज उनके ही निमंत्रण पर, उनके ही नेतृत्व में आज यहाँ प्लैटिनम जुबली की बहार है। अपने अनुभव, तप, सेवा, ज्ञान से आने वाले हर जिज्ञासु का जीवन कमल की तरह खिलाती हैं, परम की राह बताती हैं और परम से मिलाती हैं। वो है हम सब की आदरणीय डॉक्टर बीके डॉक्टर निरंजना बहन जी, डायरेक्टर अलकापुरी बड़ौदा सब जोन नेशनल सेक्रेटरी ऑफ मेडिकल विंग राजयोगा एजुकेशन एंड फाउंडेशन। और देखिए आज आपको निमंत्रण देकर वो बहुत ही मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, हर्षा रही हैं। मैं आपको मंत्रित करता हूं कि अपनी वाणी द्वारा, शब्दों के द्वारा स्वागतों के स्वागत के पुष्प बरसाएं और आज इस प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशंस को चार चांद लगाएं। हम सबकी प्रिय आदरणीय बीके डॉक्टर निरंजना बहन जी। ओम शांति, ओम शांति। आज हम सभी के लिए बहुत बहुत खुशी और आनंद का दिवस है। सारा विश्व और सारा भारतवर्ष प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा की इस यात्रा का 75 वर्ष पूरा करके प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन को एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं। इस संदर्भ में आज बड़ौदा की संस्कारी नगरी के अंदर हम सभी इस प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन के लिए एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम के अंदर सबसे पहला स्वागत मैं उनका करना चाहती हूँ जो इस विश्व के अंदर मैं कहूँगी कि तपते हुए इस विश्व के अंदर, जबकि मानव हर तरीके से बहुत पुरुषार्थ करके, मेहनत करके, विज्ञान इतना आगे बढ़ते हुए हर मानव के लिए हर सुख और सुविधा प्रदान करने के लिए तैयार है और सुख सुविधा प्रदान कर ली है। अपेक्षा और आशा तो ये थी कि शायद हमारा विश्व सुख, शांति, आनंद, प्रेम और सुरक्षा का पर्याय बना रहेगा, परंतु मानव की आशा निराशा में बदल चुकी है। समग्र विश्व आज एक प्रकार की अशांति, असुरक्षा, डर, भय और कल क्या होगा उसकी चिंता में फंस गया है, पता नहीं क्यों। मुझे यही याद आता है कि नर चाहत कुछ और होता कुछ और है, पर इसी वेला के अंदर स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर आ चुका है। इस संदेश देने के लिए ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये उत्सव मना रही है। परमात्मा कह रहे हैं, आत्माएं अभी दुख के दिन पूरे हो रहे हैं, अब अशांति के दिन पूरे हो रहे हैं, अब फिर से सुख, शांति, आनंद और प्रेम की वो दुनिया आ रही है और उसके लिए ही स्वयं भगवान इस सृष्टि पर आ चुके हैं। मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है कि आज तक हमने भगवान को बहुत दूर समझा, परंतु स्वयं भगवान आकर के पिता के रूप में उन्होंने हमें अपना बनाया है और शिक्षक के रूप में जीवन कैसे जीना चाहिए वो सिखा रहा है।
मुझे लगता है कि आज फिर से वो दिन आए हैं जो हर मानव मात्र को अपने विचारों को फिर से एक नई दिशा देनी होगी। भौतिक उपलब्धि ही केवल सुख का साधन नहीं है, आनंद का साधन नहीं है, परंतु स्वयं अपने आप को जानना, आध्यात्मिक जीवन बनाना अपनाना, वही सुख और शांति का रास्ता है। ऐसी एक अनोखी राह बताने वाले हम सभी आत्माओं के पिता स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव का मैं आप हम सब की तरफ से सबसे पहले दिल से खूब खूब स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। साथ साथ मैं आवाहन करती हूँ कि स्वयं परमपिता परमात्मा शिव का जो साकार माध्यम बने हैं प्रजापिता ब्रह्मा, जिन्होंने अपने इस दैहिक जीवन में ही आध्यात्मिकता को अपने जीवन में अपना करके अपने जीवन को संपूर्ण बनाया है और हम सभी के सामने एक एग्जाम्पल बन के रहे हैं, ऐसे हमारे अव्यक्त ब्रह्मा बाबा का भी मैं आज के दिन स्वागत करती हूँ। साथ साथ आज हमारे कार्यक्रम में पधारे हुए हेडक्वार्टर माउंट आबू से पधारे हुए भ्राता मृत्युंजय भाई जी, जो कि बचपन से ही अपने युवा काल से ही इस आध्यात्मिक जीवन को अपनाया है। हमारे मुख्यालय माउंट आबू के अंदर हर प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के रूप में कार्य करते हैं। साथ साथ हमारी जो एजुकेशन विंग है उनके आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका हम सभी करतल ध्वनि से खूब खूब स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। हम सभी की समग्र गुजरात के सैकड़ों सेवा केंद्रों की संचालन करने वाले, पालना करने वाले गुजरात जोन की संचालिका ब्रह्मा कुमारी बाल ब्रह्मचारिणी राजयोगिनी सरला दीदी, जो कि बहुत व्यस्त रहते हैं, परंतु अपने उस पालना के